उत्तर भारत के तमाम राज्यों में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है। दोपहर के वक्त घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। कई राज्यों में पारा 48 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। गर्मी से उमस भी बढ़ गई है, लोगों की दिक्कत भी बढ़ गई है। इस बेतहाशा गर्मी को मात देने के लिए लोग भी तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। कहीं सड़कों पर पानी से छिड़काव किया जा रहा है तो कहीं पेड़ों पर पानी की बौछार की जा रही है। सूरज की तपिश से बचने के लिए लोग भी तरह तरह के उपाय और जुगाड़ भी लगा रहे हैं। भीषण गर्मी से जंग जारी है। लोगों को तेज धूप से बचने की सलाह देने के साथ ही कई तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां सड़कों पर एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि गाड़ी चालकों और राहगीरों को सूरज की तपिश और गर्म हवा से राहत मिल सके। नौतपा में तप रहे जयपुर की तस्वीर भी दिल्ली जैसी ही है। यहाँ भी गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। लोगों को राहत देने के लिए यहाँ सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम दमकल की गाड़ियों की बजाय स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रहा है। गर्मियों में पक्षियों का भी बुरा हाल है। पेड़ों पर रहने वाले चमगादड़ और दूसरे पक्षियों को धूप और गर्म हवा से राहत मिल पाए, इसके लिए मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नगर पालिका पेड़ों पर पानी का छिड़काव कर रहा है। यहाँ मोती सागर तालाब के किनारे घने पेड़ों पर सालों से चमगादड़ और कई तरह के पंछी रहते हैं। पानी की बौछार से उन्हें बहुत राहत मिल रही है। नौतपा में गंगा स्नान भी बेहद राहत भरा साबित हो रहा है। तस्वीरें हरिद्वार के हर की पैड़ी की हैं। गर्मी से सुकून के लिए यहां लोग काफी देर तक गंगा में स्नान करते नजर आ रहे हैं। इस बीच हरिद्वार के रामघाट पर तीर्थ पुरोहितों ने गंगा में खड़े होकर जप तप किया और मां गंगा से तपती गर्मी से राहत देने के लिए प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी गर्मी का प्रकोप चरम पर है। ऐसे में माता वैष्णो के दर्शन के लिए आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु सुबह और शाम दर्शन के लिए निकल रहे हैं। तेज धूप से बचने के लिए श्रद्धालु टोपी, गमछा और धूप वाले चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा और कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ती गर्मी को लेकर किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं और किस तरह से उन परेशानियों से जो है निजात पाई जाए, उसके लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता नीतू झा तो जुड़ ही गई हैं। साथ ही एम्स हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी साथ में हैं। तो सबसे पहले नीतू के पास चलते हैं। नीतू, बताइए इस वक्त का पारा क्या है? कल जो है टेम्परेचर 50 के ऊपर ही था, उससे एक दिन पहले करीब 53 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था। अभी क्या पारा है और किस तरह का संघर्ष देख रहे हैं आप रोड पे? देखिए, अगर गर्मी की हम बात करें तो पारा बढ़ता ही जा रहा है, लगभग 50 के पार पहुंच गया है। लेकिन अगर आप 53 डिग्री की बात करें, देखिए तो उस पर IMD ने बाद में ये कह दिया था कि 53 डिग्री तक नहीं पहुंचा था पारा, लेकिन 50 तो आप कह ही सकती हैं। फिलहाल स्थिति वही है। हालांकि अब दिल्ली से जो रेड अलर्ट था हीट वेव्स को लेके, वो जरूर चला गया है, ऑरेंज अलर्ट में पहुंच गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एम्स के डॉक्टर अमरिंदर जी भी मौजूद हैं। सर, हम जब बात एम्स की करते हैं या किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल की करें, हीट स्ट्रोक से परेशान मरीज जरूर आप तक पहुँच रहे होंगे। अभी गर्मी इतनी ज्यादा, हम खुद बाहर खड़े हैं तो महसूस कर पा रहे हैं कि खड़े होना मुश्किल है, क्या करें सर स्थिति में? हम देखो, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक क्या है, हीट रिलेटेड इलनेस क्या कहते इसको कहते हैं। हीट रिलेटेड इलनेस ये होती है कि जब आपका ह्यूमिडिटी और एनवायरमेंटल टेम्परेचर, अगर जैसे अभी दिल्ली में 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है टेम्परेचर, तो जब आपका फीवर 104 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए तो उसको हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं। और इसमें तीन प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि एक तो टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, जैसे 49.9 मैंने बोला अभी, और दूसरा हाई ह्यूमिडिटी, और तीसरा जो हाई जो आप अगर आप वॉक भी करोगे और एक्सरसाइज स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो ना, मतलब इस टाइम पीरियड में, तो दैट इज दीज आर द थ्री मेन कॉजेज। और इसके लिए करना क्या चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे मैं पहले यही बोलना चाहूँगा कि 12 से 4
अगर कोई भी काम आपका है तो वो अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो वो किया जाए और 12 से 4 ना निकला जाए। और जो घर पे खाना बनाने वाली गृहिणी है उसको मैं ये बोलना चाहूँगा 2 से 4 हो सके तो खाना मतलब मत बनाए। वो खाना भी बनाने का टाइम आप कर सकते हो तो शाम को यूज़ कर सकते हो या अर्ली मॉर्निंग। अगर एक्सरसाइज भी किसी ने करनी है तो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग पे एक्सरसाइज करें, इस टाइम के पीरियड में ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ना करें। और इसकी रोकथाम के लिए ज़्यादा बेटर यही है कि आप हो सके तो कूलर प्लेसेस में रहें, अगर आपकी विंडोज़ आप बंद करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब वो हमने काम करना है कि जिसके कारण हमारी ह्यूमिडिटी भी कम रहे और अंदर गर्मी। लेकिन सर जिन लोगों के लिए मजबूरी है घर से बाहर निकलना, अभी हम सड़क पे ही हैं, एम्स के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं, और अगर आप यहाँ पे तस्वीरें देखें कुछ एक बार दिखाइए, कितने लोग आपको सड़कों पर नजर आएंगे, अब जिन्हें अस्पताल आना है, नौकरी करने जाना है, वो घर पे नहीं बैठ सकते, उन लोगों के लिए क्या एक खास सलाह होगी कि वो घर से तो निकले क्योंकि पारा तो अभी 50 ही है, लगभग अभी भी 40 डिग्री पारा है, कैसे बचे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, तो इसका मैं बड़ा सरल इसका आंसर देता हूँ कि अगर किसी कारणवश आपको जाना पड़ गया है बाहर, आना पड़ गया है बाहर, तो बॉटल अपने साथ रखें, पानी की बॉटल अपने साथ रखें, हो सके तो एक पर डे 3 लीटर से ज़्यादा पानी का आवश्यकता कर पानी पिए, हर आधे घंटे पौने घंटे के बाद आप पानी की 1-2 ग्लास पीते रहें कि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो, डिहाइड्रेशन के कारण आपको हीट स्ट्रोक। जी चलिए नीतू, लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष देखिए फिलहाल जो सिचुएशन है ना हीट वेव की, इससे हर कोई परेशान है, लेकिन आप लोग जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोग इस चीज का ज्यादा सामना कर रहे हैं। इस वक्त क्या हालात हैं, लोग जो है सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या आपकी बातचीत हो पाई है, क्या कुछ कहना है उनका, क्या समझ आ रहा है? देखिए 43 डिग्री के आसपास फिलहाल जो पारा है वो बना हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि मौसम विभाग ने आज शाम के लिए हल्की फुल्की बारिश और कुछ तेज़ हवाओं की भले आशंका जताई हो, लेकिन फिलहाल जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। सड़कों पर आपको बहुत कम इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ेंगे। हालांकि हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के न्यू अशोक नगर में, और यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर गर्मी बढ़ते ही पानी की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत देखी जा रही है, और हालात ये है कि लगातार जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के वो भी कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, हम मान रहे हैं। लगातार हरियाणा से बात की जा रही है, आरोप ये भी लग रहे हैं कि हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दिया, लेकिन गलती किसी की भी हो, जो आम आदमी है वो फिलहाल पानी की किल्लत से यहाँ पर परेशान आपको दिखाई पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परिमल सिन्हा है। कितनी दिक्कत है यहाँ पानी की? यहाँ पानी का तो दिक्कत ये है कि टैंकर एक एक टैंकर आते हैं, लोगों को लाइन भरे रहते हैं, किसी को मिलता है पानी, किसी को मिलते नहीं है। और उसके बाद ये मेट्रो का काम चल रहा है, यहाँ धूल मिट्टी पानी भी नहीं डालते, और धूल मिट्टी इतना होते, इतना पोल्यूशन, इतना बदबू, और अब देखिए इतना गर्मी है, इतना परेशान है लोग यहाँ पर, और जो पानी आता है कभी कभार और गंदा आता है, पीने लायक नहीं है, तो क्या करें? पानी आ रहा है जो टैंकर से आ रहा है वो भी गंदा है? नहीं वो तो ठीक आता है, लेकिन एक आती तो आता है, से आ रहा है, वो उतना पूरा नहीं कर पा रहे, पूरा नहीं कर पा। कितने टैंकर हर रोज यहाँ पर आ रहे हैं और क्या हालात होते हैं, क्या वो पर्याप्त है? यहाँ पे आते कम से कम सुबह शाम मिल लगे 3-4 टैंकर आता है, चार पांच टैंकर आता है, और वो भी लाइन लगा रहते कम से कम आधा किलोमीटर तक, आधे किलोमीटर की लाइन लगती है बिल्कुल। और फिर मतलब कि जो पानी आ भी रहा टैंकर से वो पूरा नहीं पड़ रहा है, पूरा नहीं पड़ रहा पानी का, चार टैंकर में लाखों लोगों को पानी कैसे पूरा करेंगे, है कि नहीं है? कितनी दिक्कतें हो रही हैं, खाना पीना कैसे? बहुत दिक्कत, वो तो पैसा देके खरीद के का पीना पड़ रहा है अभी। और दूसरी बात यहाँ का जो वाटर सप्लाई के पानी है वो भी तो बिल्कुल गंदा ही पानी है, एक एक महीना 15-15 दिन तक आता भी नहीं है, और आता भी है तो फिर भी जो गंदा पानी निकलता है बिल्कुल काला। कब से गर्मी बढ़ी है तब से? क्या गर्मी से तो है ही, बाकी गर्मी से पहले भी 2-3 महीने से पहले भी था ये पानी, सप्लाई का पानी जो है। तो सुन रहे हैं आपकी गंदे पानी की जो समस्या है वो जी तो मनीष बिल्कुल पानी की किल्लत तो दिल्ली में बहुत ज्यादा है, और आज कई इसके मामले भी सामने आए। एक बार डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब देखिए अब जो पानी की किल्लत आ रही है, पानी गंदा भी लोगों ने बताया और पानी की कमी भी बताई, जिसके चलते डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और पेट में बीमारियां भी हो सकती है या किसी भी और तरह की गंदे पानी से बीमारी हो सकती है, इससे किस तरह से निपटा जाए?
देखिए शगुफ्ता अदिति, मैं स्पष्ट कहूंगा, देखो गर्मियां तो एनुअल इवेंट है, इस साल गर्मियां ज्यादा भी आई हैं और लंबी भी चलेगी। अभी तो मानसून उम्मीद की जा रही है कि जून एंड पे आएगी, तो वी हैव एटलीस्ट 3 to 4 मोर वीक्स ऑफ सफरिंग। तो मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ सुझाव दूंगा जिससे कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहली बात तो बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स और जो 60-65 साल के लोग हैं और जो इनको कुछ बीमारियां हैं, वो मेहरबानी करके 10 से लेके 5 तक घर से बाहर ना निकले तो ज्यादा अच्छा है। नंबर 1, अगर निकलना ही पड़ेगा तो अपनी तैयारी करके निकलो। नंबर 1, सिर को ढको किसी अंगोछे से, औरतें किसी दुपट्टा वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं, डार्क गोगल्स यूज किए जाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने घर से 1-2 लीटर की पानी की बोतल लेके निकलेगा। जो बाहर पानी मिलता है, जो मशीन का पानी वगैरह, या जो रोड साइड स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो जूसेस वगैरह होते हैं, हमारे देश में फूड रेगुलेशंस बिल्कुल नहीं है, तो इन्फेक्शंस पेट के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं तो अप टू द एक्सटेंट कहूंगा कि जितना हो सके होम मेड फूड कंज्यूम कीजिएगा, और फ्राइड और ऑयली कम लीजिएगा, और पानी घर से लेके निकलेगा। एवरेज 1 60 kg एनिमल के एक इंसान को डेली कम से कम मेरे हिसाब से 3.5-4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। जी प्लस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बच्चों की छुट्टियां हैं और बाहर के खाने का चलन हमारे देश में, हमारे दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है। तो मेक श्योर कि अगर आप खाना बाहर लें तो कोई हाइजेनिक प्लेस हो। हमारे पास क्लिनिक्स में अपार्ट फ्रॉम जी जो डायरेक्ट हीट के जो केसेस हैं, जिससे कि इसको हम हीट एग्जॉशन कहेंगे, टांगों में क्रैम्स आ गए, हीट स्ट्रोक हो गया, वो तो एक्सट्रीम केसेस हैं, लेकिन ज्यादा केसेस पेट के इन्फेक्शन के आ रहे हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हैजा, टाइफाइड, शिगलोसिस। तो इसलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपकी फूड हैबिट्स जैसी भी हो, ट्राई टू कंज्यूम होम फूड, और बाहर का या तो जी बहुत ही चलिए जो जी स्ट्रीट फूड है प्रिकॉशंस उसको आपको लीजिए। लेने ही पड़ेंगे। जितनी ज्यादा इस वक्त गर्मी पड़ रही है उसके लिए आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। अगर 10 से 5 के बीच में आपकी मजबूरी है घर से बाहर निकलना, किसी कारणवश निकलना ही पड़ रहा है, तो तमाम इंतजाम आपको खुद करने पड़ेंगे। नीतू के पास चलते हैं। नीतू, चूंकि देखिए डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर नरेश ने भी जैसे बताया कि डायरिया के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, पेट की बीमारियों की दिक्कत जो है वो ज्यादा सामने आ रहे हैं, पेशेंट्स लगातार ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। अब डॉक्टर साहब आपके साथ भी मौजूद है, उनसे जरा समझिए कि पानी की किल्लत हो रही है, पानी की वजह से ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, इसको टैकल कैसे किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर, हमें एक और चीज बताइए, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में पानी की किल्लत बढ़ गई है, पानी की किल्लत, और आप कह रहे हैं कि पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। पानी की किल्लत अगर है तो इससे कैसे हम टैकल करें? और दूसरा सवाल एक और अहम था कि मान लीजिए किसी को हीट स्ट्रोक आ जाता है और वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में कैसे प्राइमरी इलाज किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहला मैं बताऊंगा कि पानी की किल्लत है उसके लिए तो मैंने जैसे बोला, कूलर प्लेसेस पे रहें, ज़्यादा हीट वाली प्लेसेस पे ना जाया जाए, और बाहर जाने के टाइम पे एक बॉटल तो साथ में रख ही सकते हो। किल्लत है बट इतना भी किल्लत नहीं है कि हम पानी बाय करके ना पी सके, जहाँ जो म्यूनसिपलिटीज तक पानी आता है वो हमको तक ना पहुंच पाए, वो इतना तो हमारे पास मिलता ही है पानी। तो एक तो मैंने जैसे बोला कि एक अम्ब्रेला भी आप रखे जा सकते हो बाहर जब जाना है। अगर आपको हीट स्ट्रोक आ गया किसी कारण, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर आपका टेम्परेचर चला गया, एक बहुत ही सरल उपाय है, किसी ने देख लिया, सपोज करो, मैं आपके सारे श्रोताओं को बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को पता लगा कि इसको पारा बहुत 103-104 के ऊपर चला गया है और हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स उसको आ गए हैं, तो एक बड़ा सिंपल उपाय है, टैको मेथड कहते हैं, टैको टेक्निक कहते हैं। टैको मीन्स एक तरपाल होता है ना, तरपाल लेके उसमें उसको, उसकी बॉडी को इमर्स कर दिया जाए उस तरपाल में, और चेस्ट तक, मतलब सिर का हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा नीचे करके उसमें बर्फ बर्फ डाल की डाल दी जाए, और उसको जैसे एक झूला नहीं झुलाते वैसे करके, आपका हर 5-5, 10-10 मिनट बाद उसका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे आता जाएगा टेम्परेचर, और जब तक उसका नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए फिर आप उसको हॉस्पिटल ले जाओ। अगर तो उधर ही ठीक हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो अगर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेन करना बहुत ही है तो वो वी कैन टेक टू दी हॉस्पिटल। उस तक उपाय तक बताया डॉक्टर साहब ने। नीतू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ जो डॉक्टर है उन्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों को ये बेहतरीन उपाय बताने के लिए। साथ ही मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल डॉक्टर नरेश चावला के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब देखिये,
डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस करी है गर्मी की वजह से आमतौर पे भी होती है। हीट स्ट्रोक में भी कई बार मतलब इतने संगीन मामले सामने नहीं आते थे जितने इस बार आ रहे हैं। कई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं इस बार और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लक्षण जो है पहचानने का वक्त ही नहीं मिलता। तो क्या करें कि आप उस सिचुएशन तक पहुंचे ही नहीं? कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा, पर इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, पहली बात, जहां तक पानी की किल्लत तो रहेगी, एटलीस्ट दिल्ली के वासियों को, एनसीआर वासियों को थोड़ा पानी को इकोनोमाइज करना चाहिए। जैसे कारों को धोना, बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पीने की पानी की दिक्कत कभी नहीं आएगी, यू ऑलवेज हैव एनफ वाटर। लेकिन मेक श्योर कि आप हाइजीनिक पानी लें, बोटल वाटर लें, आपके घर में कोई फिल्टर है या आरओ है वगैरह तो लें। बाहर का जो खुला पानी है, स्ट्रीट वाटर है, मेरे हिसाब से उसमें हाइजीनिक थोड़ा कम होता है। दूसरा, आपने पूछा कि हो जाए तो क्या करें, कितना ज्यादा नहीं होता है। लेट मी टेल यू कि अगर आपको लगता है कि कोई आप सड़क पे देखते हैं किसी को ऐसा हो रहा है या आपको हो रहा है कि आपको एकदम चक्कर आने शुरू हो गए, आपका बॉडी एकदम हीट होने शुरू हो गई, अंदर से लग रहा है आग निकल रही है, तो सबसे पहले तो चाहे खुद हैं या किसी और को आप देखते हैं, उसको किसी कूल जगह पे ले जाइए, किसी शेड के नीचे ले जाइएगा। और अगर उसको, अगर जैसे कि बर्फ का इंतजाम नहीं भी होता, तो सिंपल प्लेन वाटर चलाया जाए या कोल्ड ताजे पानी की, ठंडे पानी की नहीं, ताजे पानी की अगर स्पॉन्जिंग की जाए तो पेशेंट एकदम बेहतर होता है। अगर पेशेंट मुंह से पानी पी सकता है तो दो दो घुट करके जेंटली, क्योंकि पेशेंट को वॉमिटिंग फीलिंग भी कभी ज्यादा होती है, तो उसको प्लेन वाटर, लेमन वाटर या कोकोनट वाटर या ओआरएस का पानी इसको पिलाया जाए। अगर इस सब के बावजूद भी पेशेंट को अगर अनकॉन्शियसनेस आती है, पेशेंट बेहोश हो रहा है, तो दैट इज टाइम लाइफ सेविंग मेजर के रूप में पेशेंट को जल्द से जल्द किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट आईसीयू में ले जाया जाए और उसको आईवी ड्रिप दी जाए। ये बड़ी दुख की बात होगी कि आज भी अगर हीट से लोग मर रहे हैं तो सिविलाइज समाज में लोगों को समझने की जरूरत है, वो अपनी भी मदद करें और दूसरे की भी मदद करें। अगर ऐसा किया जाए, बहुत बढ़िया, आपने कहा कि अपनी मदद कीजिए, खुद की भी मदद कीजिए और दूसरों की भी मदद कीजिए। एक छोटा सा आंसर और छोटा सा सवाल मेरा आपसे डॉक्टर नरेश, ये कि डायरिया के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि चूंकि आपके पास कई बार मौका नहीं होता घर पे खाने के लिए, बाहर खा लिया, पेट खराब हो गया, पेट में दर्द हुआ और डायरिया की शिकायतें बहुत आ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए जरा। बिल्कुल आसानी से, लोग अक्सर सोचते हैं कि फटाफट मुझे कोई गोली मिल जाए और मेरा पेट टटियां बंद हो जाएं, ऐसा नहीं जरूरत। मोर इम्पोर्टेंट इज ओवरऑल रिहाइड्रेशन। ओवरऑल रिहाइड्रेशन मतलब कि आप छोटी छोटी मात्रा ऊपर से पानी पीजिएगा, कोई भी पानी मिले आपको, प्लेन वाटर, नारियल पानी, नींबू पानी, कांजी, दही की लस्सी, एनीथिंग, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिएगा। ये पानी अगर आप छोटी छोटी मात्रा पी रहे हैं तो आपको जितनी मर्जी इमोशंस आते रहें, वो क्योंकि मोस्टली जो डायरिया होता है वो वायरल होता है, वो इन्फेक्टिव नहीं होता है। इसका मतलब कि पेशेंट को अपने आप ठीक होना होता है, हमें पेशेंट को सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी करनी पड़ती है। लोग अक्सर सोचते हैं कोई ऐसी टैबलेट मिल जाए जिससे मेरी इमोशंस बंद हो जाएं, हमें इमोशंस बंद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ छोटी छोटी मात्रा पानी पीजिएगा, लाइट फूड जिसमें कोई दलिया, खिचड़ी, दही, कोई संतरा, सेब, मौसमी, ऐसा लीजिएगा। मोस्टली पेशेंट्स इसी में सेटल हो जाते हैं। अगर नहीं होता है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर और अपने फिजिशियन के टच में हो जाइएगा। जी, चलिए, छोटे छोटे उपाय और बड़े ही कारगर उपाय हैं, घर पे ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने चूंकि बताया कि ये सपोर्टिव मेथड होता है जो दवाइयां आप लेते हैं, लेकिन घर में ही ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और पेट आपका ठीक हो जाएगा और तमाम चीजें जो है उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। डॉक्टर नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, ये जानकारी डिटेल्ड हमसे साझा करने के लिए। और चलिए अब बात भीषण गर्मी में राहत भरी खबर की करते हैं। उत्तर भारत का मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र, चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव से यहां के लोग खूब परेशान हैं। ऐसे में खासकर पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश, ओलावृष्टि की खबरें सुनने को मिल जाएं तो गर्मी से सुकून की उम्मीद बढ़ती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से कुछ ऐसी ही गर्मी से राहत की आस मिल रही है। रोहतांग पास पे ताजा बर्फबारी ने पहाड़ों का मौसम बदल दिया, जिससे वहां पहुंच रहे सैलानियों के चेहरे खिल गए। हर कोई यहां इस स्नोफॉल का आनंद लेता नजर आया। बर्फबारी की इन्हीं यादों को कुछ तो कैमरा में कैप्चर करते नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल की देख रहे हैं आप, जहां गुरुवार को भारी बारिश और ओले गिरे। इस बारिश ने पिछले दिनों पड़ रही गर्मी की तपिश से बहुत हद तक राहत दिलाई है। ऐसी ही बादलों की खूबसूरत तस्वीर केदारनाथ धाम में भी देखने को मिली है। लगभग एक सप्ताह बाद धाम में बारिश हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि पहाड़ों पे बदलता मौसम मैदानी इलाकों के लिए राहत की खबर लाएगा।
भले ही उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मानसून का इंतजार अभी हो रहा है, मगर उससे पहले कहीं बारिश, कहीं उमड़ते घुमड़ते बादल और बिजली की चमकार और कहीं बर्फबारी का लगा ये अंबार। ये खुशखबरी गर्मी की चिलचिलाहट से थोड़ा सुकून तो दे रही है। दरअसल ये बदलते मौसमी हालात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ जगहों पर फिलहाल तो बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले जरा बर्फबारी की ये तस्वीर देख लीजिए। गर्मियों की छुट्टियों में सैर सपाटे पर निकले इन सैलानियों की खुशी दोगुनी हो गई होगी जब इन्होंने यहाँ ये ताजा बर्फबारी देखी। रोहतांग पास पर हुई इस ताजा बर्फबारी ने लोगों के चेहरे खिला दिए। हर कोई यहाँ इस स्नोफॉल का आनंद लेता नजर आया। बर्फबारी की इन्हीं यादों को कुछ तो कैमरे में कैद करते भी नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल की है। यहाँ गुरुवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि ने पिछले दिनों पड़ रही गर्मी की तपिश से बहुत हद तक निजात दिलाई। आपको बैकग्राउंड में बादलों की गड़गड़ाहट तो सुनाई दे रही होगी, साथ ही बिजली चमकती भी दिखाई दे रही होगी। जानकारी के अनुसार ओले रात 9 बजे के आसपास पड़ना शुरू हुए, जिसने 30 डिग्री से ऊपर चले गए पारे को एकाएक नीचे लाने में खूब मदद की। फिलहाल तो चिलचिलाती गर्मी से निजात पाए सरोवर नगरी वासी हों या फिर सैलानी, सभी ने मौसम के इस कूल अंदाज का दिल खोलकर स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भले ही अभी भी चिलचिलाती गर्मी से जूझ रही है, मगर दून घाटी को लेकर भी मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। दरअसल मौसम विभाग ने 1 और 2 जून से देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी बारिश की संभावना जताई है, जिससे तेज गर्मी और हीट वेव की चोट सहन करते हुए इन पहाड़ी इलाकों के लोग राहत की सांस ले सकेंगे। 1 और 2 तारीख में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में बढ़ेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं हिल्स की बात करूं या अंदर के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की बात करें या इसी तरह और भी जो मिड हिल के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उनमें जो है लाइट से मॉडरेट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 1 तारीख को मिलेगी। इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर जो है हल्की बारिश और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो मिलने वाली है, और एक्टिविटी 2 को भी करीब करीब इसी तरह वो रहेगी। फिलहाल तो जहां हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी ने वहां पहुंच रहे पर्यटकों के चेहरे खिला दिए, वहीं उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश, ओलावृष्टि के बाद बढ़ते तापमान पर रोक लगाते हुए खुशनुमा मौसम ने आने वाले दिनों के लिए गुड न्यूज देने का रास्ता मानो खोल दिया है। नैनीताल से लीला बिष्ट और देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के चारधाम में, जहां गुरुवार को अचानक से बादल मेहरबान हुए। केदारनाथ और बद्रीनाथ में खूब बारिश हुई, इससे दोनों धामों में महसूस की जा रही गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिल गई। गुरुवार को चारधाम यात्रा के बीच शाम के पहर तक केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में खूब बारिश हुई। इस दौरान अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालुओं की दोनों धामों के परिसरों में आवाजाही हो रही थी। इससे पहले सुबह से बाबा केदार और बद्री विशाल परिसर के ऊपर आसमान में बादलों ने धीरे धीरे डेरा जमाया, फिर दोपहर बाद मौसम अचानक खराब हुआ। पहले हल्की फुल्की बारिश और फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि इस दौरान श्रद्धालु बाबा केदार के आस्था पथ पर डटे रहे, बारिश के बावजूद बाबा के दर्शनों की आस लिए वो लंबी कतार में खड़े नजर आए। उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। इस बार बाबा केदार के दर पर ऐसे ही मौसमी बदलावों को ध्यान में रखते हुए रेन शेल्टर भी बनाए गए हैं, जो आस्था पथ पर खड़े श्रद्धालुओं को बारिश की बौछारों से बचा रहे हैं। गुरुवार को बादल केदारनाथ धाम में लंबे समय बाद बरसे। फिलहाल तो लगभग 1 सप्ताह बाद धाम में बारिश हुई है, जिसके बाद यहां ठंड बढ़ गई। वहीं बारिश से वातावरण में हल्की हल्की धुंध भी दिखी, जिससे हवाई सेवा भी बाधित हो गई। अब जरा ये तस्वीर बद्रीनाथ धाम की देखिए, यहां भी गुरुवार सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश होती दिखी। यहाँ बद्रीनाथ धाम और आसपास इलाकों को बारिश की फुहारों ने ठंडा कर दिया। यहाँ भी धाम के आसपास इलाकों में गुरुवार सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे। भले ही बारिश यहाँ अच्छी खासी हुई, मगर तीर्थयात्री भी रेन कोट पहने और छाते के साथ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुँचे। फिलहाल तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पड़ी बारिश की तेज बौछारों ने जहां ठंडक का एहसास कराया, वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से भी निजात जरूर दिला दी।
केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए एक नया सिपह सालार तैयार है। गहरे पानी के इस योद्धा का नाम है INS अरिघाट। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और घातक हथियारों से लैस ये न्यूक्लियर सबमरीन समंदर से हिंदुस्तान की ताकत का प्रमाण है। समंदर का ताकतवर योद्धा, गहरे पानी में गोता लगाने का दम, पूरी रफ्तार से लहरों को चीरने का हुनर, बिना रुके बिना थके समंदर की सरहदों की निरंतर निगरानी, तीन तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान की समुद्री सीमा की हिफाजत में नौसेना की पनडुब्बियां बेहद अहम किरदार निभाती हैं। समंदर की लहरों पर युद्धपोत मोर्चा संभालते हैं, आसमान में फाइटर जेट्स का पहरा है और पानी के अंदर दुश्मन की साजिशों को नाकाम करती है सबमरीन। भारत की इन पनडुब्बियों की फौज में बहुत जल्द एक नया योद्धा शामिल होने जा रहा है, नाम है INS अरिघाट। INS अरिहंत के बाद ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, लेकिन इस पनडुब्बी की ताकत INS अरिहंत से दोगुनी है। इस पनडुब्बी के सभी समुद्री ट्रायल पूरे हो चुके हैं। इसी साल इस पनडुब्बी को नौसेना का सिपह सालार बनाने का गौरव हासिल हो गया है। INS अरिघाट एक विशाल काय पनडुब्बी है। इस स्वदेशी पनडुब्बी का निर्माण विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग सेंटर में एडवांस टेक्नोलॉजी वेल्स प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इसकी लंबाई 111.6 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई 9.5 मीटर है। ये पानी में 1400 फीट गहराई तक जा सकती है। सतह पर इसकी रफ्तार 28 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूक्लियर सबमरीन होने की वजह से इस पनडुब्बी को बार बार ईंधन की जरूरत नहीं होती है। इस पनडुब्बी के अंदर ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। इसका फायदा यह है कि यह पनडुब्बी बिना किनारे आए समंदर में अनंत काल तक गोते लगा सकती है। इसे सिर्फ नौसैनिकों के खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए किनारे पर आना पड़ता है। INS अरिघाट में लगने वाली मिसाइलों की संख्या INS अरिहंत के मुकाबले दोगुनी है। INS अरिघाट में 12 के 15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं। इनकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये पनडुब्बी 4K4 मिसाइलों से लैस है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसमें 12 इंच के 6 टॉरपीडो मिसाइल भी लगाई गई है। इसमें टॉरपीडो ट्यूब्स भी लगे हैं। ये ट्यूब्स टॉरपीडो मिसाइलें और बारूदी सुरंग बिछाने का काम करती हैं। भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए नौसेना प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियों की पूरी फौज तैयार कर रही है। इन पनडुब्बियों के साथ न्यूक्लियर सबमरीन अरिघाट के शामिल होने से हिंदुस्तान का सुरक्षा चक्र और मजबूत हो जाएगा। INS अरिघाट के नौसेना में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बेचैनी बढ़ जाएगी। समंदर में इस पनडुब्बी की मौजूदगी से ही देश के दुश्मन हिंदुस्तान की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिमाकत भी नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।